मेरा नाम अजय कुमार पांडे उप मुखिया के पद पर निर्वाचित किया गया हूँ। आज हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि संविधान के जनक एवं महान कानून बिंदु और अर्थशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज जिस संविधान के संरक्षण में हम लोग बराबरी का अनुभव कर रहे हैं, वह वास्तव में अम्बेडकर जी का ही देन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा छुआछूत सामाजिक भेदभाव एवं गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज 14 अप्रैल 2022 है और आज ही के दिन 1891 ईस्वी में भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। 131वीं जन्म दिवस मनाई जा रही है, जहां भारत के हर एक कार्यालयों में और विभिन्न संस्थानों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाई जा रही है। तो वहीं अमृत महोत्सव के रूप में आज पूरे बिहार में ग्राम सभा के माध्यम से ये कार्यक्रम की जा रही है। तो वहीं आज हम आपको ग्राम पंचायत नाजिरपुर, जो प्रखंड रहिका के अंतर्गत है, जिला मधुबनी के अंतर्गत है, जहां पंचायत के अंतर्गत सभी चयनित प्रतिनिधि, सभी कर्मचारी इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत नाजिरपुर के प्रधान यानी मुखिया जी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो वहीं सभी जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ये कार्यक्रम ग्राम पंचायत के पंचायत कार्यालय पर आयोजित की गई है। तो बात करवाते हैं ग्राम पंचायत नाजिरपुर के उप मुखिया जी से, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय कुमार पांडे, वार्ड 7 से उप मुखिया के पद पर निर्वाचित किया गया हूँ। आज हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है कि संविधान के जनक एवं महान कानून बिंदु और अर्थशास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज जिस संविधान के संरक्षण में हम लोग बराबरी का अनुभव कर रहे हैं, वह वास्तव में अम्बेडकर जी का ही देन है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमेशा छुआछूत सामाजिक भेदभाव एवं गैर बराबरी के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिला के यहुई में हुआ था। उनके माता का नाम भीमबाई गौरवेदकर एवं पिता का नाम रामजी भालोजी सतपाल था, जो भारतीय सेना में साहूकार थे। पिता के सेवानिवृत्त के बाद वे लोग महारावत के सतारा में रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद बम्बई आ गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में बहुत मेधावी थे, जिस कारण बड़ौदा के गायकवाड राजा सहायजी में उन्हें 25 रुपया स्कॉलरशिप देना आरंभ किया। बम्बई से राजनीति अधर एवं अर्थशास्त्र से स्नातक करने के बाद वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से वापस आने पर गायक
वार्ड राजा ने उन्हें अपने राज्य का रक्षा मंत्री बनाया, लेकिन वहां उन्हें मन नहीं लगा तो बंबई कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक बन गए। फिर वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए। आजादी के बाद आजाद भारत के पहले कानून मंत्री का पद और भारत में संविधान के रचयिता बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजीवन छुआछूत जात पात एवं भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते रहे। वैसे महापुरुष को हम लोग आज नयन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना, ये है उप मुखिया जी ग्राम पंचायत नाजिरपुर के, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दिए हैं। तो वहीं आपको बता दे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज हर्षोल्लास के साथ ग्राम पंचायत नाजिरपुर में जन्म दिवस मनाई गई है। जो भारत के संविधान निर्माता हैं, भारत के कानून वेता हैं, और उनको आज जो सम्मान मिला है, निश्चित रूप से ये हर्षोल्लासित करने वाला है। जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समता मूलक समाज और भारत एक विकसित देश कैसे बने, इसके लिए एक शिल्पकार के रूप में उन्होंने एक संविधान दिए, और इसी संविधान के आधार पर पूरे देश का कानून व्यवस्था लागू है। तो वहीं सामाजिक समरसता और समता मूलक समाज का स्थापना होने का साकार सपना आज भी देखने को मिल रही है। तो आने वाला समय बाबा साहब द्वारा जो कानून व्यवस्था के रूप में, संविधान व्यवस्था के रूप में दिए थे, जिसके कारण आज भारत चहुमुखी विकास की ओर